Hello everyone, students. On the previous turn, I have explained chapter 9 of copy work. And the name of that chapter was pronouns. उस chapter का नाम बच्चों जो मैंने last turn पे आपको explain किया था, उसका नाम था pronouns means सर्वनाम. तो चलिए आज इसके book exercises fill करते हैं. सबसे पहले बच्चों हम इसमें first exercise को देखेंगे. Underline the pronouns and circle the nouns they refer to. देखिए पहले हमें ध्यान से लाइन को पढ़ना है. क्या पूछ रहे हैं वो? प्रोनाउंस को तो अंडरलाइन करना है और नाउंस को सर्किल करना है. तो सबसे पहले इसमें नाउंस को आप देखिए कि नाउंस कौन कौन से वर्ड्स हैं इसमें. देखिए नाउंस भी बच्चों मैंने आपको पहले समझा चुकी हूँ आपको मिड टर्म में, और उससे पहले भी मैंने आपको बताया थोड़ा सा उसमें प्री मिड में. तो बच्चों चलिए थोड़ा सा हम उसी को ही रिवाइज भी कर लेते हैं नाउंस को. ठीक है, नाउन क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति के भाव को, नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं. आप हिंदी में भी पढ़ते हो. तो चलिए जरा हल्का सा अब फिर देखते हैं. पहला सेंटेंस है अमित इज़ प्लेइंग क्रिकेट. अमित क्रिकेट खेल रहा है. तो बच्चों किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? कौन सा नाम है यहाँ पर? अमित नाम है. तो अमित क्या हो गया यहाँ पर? आपका नाउन हो गया. सेकंड सेंटेंस में देखेंगे गीता ओन्स ए कार. ये कार गीता की है ना? गीता है इसके मालिक. तो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर? गीता के बारे में बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पर हमने सर्किल कर दिया नाउन को, क्योंकि पहले हम नाउन की बात कर रहे हैं. ठीक है, द बॉक्स इज़ हैवी. यहाँ पर बच्चों किसके बारे में बात हो रही है? बॉक्स के बारे में बात हो रही है ना, क्योंकि बॉक्स क्या है यहाँ पर? थिंग है कोई भी. ऊपर अमित और गीता क्या है यहाँ पर आपके? ये किसको बता रहे हैं? नाउन को बता रहे हैं. क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान. तो यहाँ पर ये दोनों व्यक्तियों के नाम है. अमित मेल है और गीता फीमेल है. ठीक है, जबकि थर्ड वन में बॉक्स क्या है आपका? थिंग है. नंबर फोर, शिखर हैज़ ए फार्म. शिखर का एक खेत है, मतलब एक फार्म है. ठीक है, तो यहाँ पर शिखर किसके बारे में क्या बता रहा है? नाउन को बता रहा है. क्यों? क्योंकि शिखर भी किसी व्यक्ति का नाम है. नेक्स्ट वन है नंबर फाइव, गीता टोल्ड हर. गीता ने उसको बताया है ना. तो किसके बारे में बात हो रही है बच्चों यहाँ पर? यहाँ पर किस व्यक्ति कौन है? गीता है. तो ये सभी जो सर्किल में है सब नाउंस को रेफ़र कर रहे हैं. ठीक है, और प्रोनाउंस देखेंगे अब जरा हम के प्रोनाउंस क्या हैं. देखिए पहले में देखेंगे अमित इज़ प्लेइंग क्रिकेट. अमित क्रिकेट खेल रहा है. ही इज़ बैटिंग नाउ. तो अब यहाँ पर अमित के प्लेस में हमने क्या लिखा? ही लिखा. बच्चों बार बार सेंटेंस में हम नाउन वर्ड नहीं लिखते हैं, नाउन के प्लेस पर हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर क्या आ गया? अंडरलाइन कर दिया हमने ही को. नंबर टू, गीता ओन से कार. अब गीता क्या है बच्चों? यहाँ पर फीमेल है, और फीमेल के लिए क्या लिखते हैं? शी लिखते हैं. तो यहाँ पर हमने लिख दिया शी ड्राइव्स फास्ट. नंबर थ्री, द बॉक्स इज़ हैवी. अब बॉक्स क्या है बच्चों? बॉक्स क्या है? नॉन लिविंग थिंग है ना. और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? इट यूज़ करते हैं. सैम कैन नॉट लिफ्ट इट. तो बॉक्स के लिए यहाँ पर इट वर्ड आया. नंबर फोर, शिखर हैज़ ए फार्म. शिखर मैंने आपको बताया मेल है, तो मेल के लिए हम कौन सा प्रोनाउन वर्ड यूज़ करते हैं? ही यूज़ करते हैं. ही सो सीड्स. उसने बीजों को बोया. ठीक है, बोता है बीजों को. नंबर फाइव, गीता टोल्ड हर. गीता ने उसको बताया दैट शी वुड सी शुड वर्क हार्ड. कि वह उसको कठिन परिश्रम करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर गीता फीमेल है, इसलिए फीमेल के साथ हमने कौन सा प्रोनाउन वर्ड लिखा? शी लिखा. ठीक है बच्चों, तो मैंने अभी आपको ये एक्सरसाइज ए बताई. इसके बाद जरा बच्चों पेज को टर्न कर लीजिए, एक्सरसाइज बी वाले पर आ जाइए. यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर बी, अंडरलाइन द प्रोनाउंस एंड टिक राइट अगेंस्ट इट प्रॉपर टाइप. देखिए पहले हमें क्या करना है? लाइन जो प्रोनाउन वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है ना. और वो कौन से प्रकार का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, या थर्ड पर्सन है? ये मैं आपको कॉपी में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. उनको आपको उसी के सामने सर्किल दिया हुआ है, टिक करना है. ठीक है, तो चलिए पहले सेंटेंस वाइज देखेंगे. नंबर वन, शी टुक हर मेडिसिन आफ्टर द मील. शी कौन से को बता रहा है बच्चों यहाँ पर? मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन में आई होता है ना, मैं अपने बारे में बात करती हूँ, सेकंड में मैं तुम्हारे बारे में बात करती हूँ, और थर्ड में मैं अनदर वन के बारे में बात करती हूँ. तो यहाँ पर शी थर्ड पर्सन हुआ, क्योंकि ना तो मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, ना तुम्हारे बारे में कर रही हूँ, अनदर वन के बारे में कर रही हूँ. तो ये आपका थर्ड पर्सन हो गया. नंबर टू,
आई एम द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्कूल, है ना। तो आई किसको बता रहा है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन को बता रहा है ना कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पर्सन को टिक कर दिया। नंबर थ्री, वाई इज़ द डॉग बार्किंग सो लाउडली, डॉग इतनी तेजी से क्यों भौंक रहा है। इट इज़ इट हंग्री, क्या वह भूखा है। तो इट यहाँ पर किसके लिए आ रहा है बच्चों, डॉग के लिए आ रहा है ना। और इट को हम किस में रखते हैं, थर्ड पर्सन में रखते हैं। तो हमने यहाँ पर इट को के सामने जो ये थर्ड पर्सन लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर इसको टिक कर दिया। नंबर फोर, यू आर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है ना। तो यू किसके लिए आता है बच्चों, तुम्हारे लिए। तो तुम्हारे में हम कौन सा पर्सन लिखते हैं, सेकंड पर्सन। तो हमने यहाँ पर सेकंड पर्सन को टिक कर दिया। नंबर फाइव, वी ओन ए कैट नेम्ड स्नोबेल, मैंने एक कैट ली जिसका कि नाम स्नोबेल रखा। मैंने वी मीन्स हम, तो हम किस कौन से पर्सन में आता है बच्चों, फर्स्ट पर्सन में, क्योंकि ये आई का प्लूरल है ना। आई के लिए हम क्या लिखते हैं, मैं के लिए हम आई लिखते हैं, और वी के लिए हम लिखते हैं। हम वी को बोलते हैं प्लूरल में, और मैं को इंग्लिश में आई बोलते हैं, ठीक है, सिंगुलर के लिए। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। नंबर सिक्स, डू यू रिकोगनाइज मी, क्या तुम मुझे पहचानते हो। आई एम आरव, मैं आरव हूँ, ठीक है। तो डू यू किसको बता रहा है, सेकंड पर्सन को। तो यहाँ पर हमने सेकंड पर्सन को टिक कर दिया। ही विजिट्स ए डेंटिस्ट वेरी ऑफन, है ना। वह डेंटिस्ट किसको बोलते हैं, दांत साफ करने वाले को, दांत ठीक करने वालों को। तो डेंटिस्ट से हम अक्सर मिला करते हैं, हम देखा करते हैं, मिला करते हैं उससे। तो ही किसके लिए आ रहा है, ना मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ ना तुम्हारे में, ठीक है। थर्ड, ये किसी और के बारे में बात हो रही है, ही के बारे में बात हो रही है। तो ये हो गया आपका थर्ड पर्सन, ठीक है। नाउ नंबर एट, ही हैज़ रिटन मैनी स्टोरीज, उसने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, वह बहुत सारी स्टोरीज लिख चुका है। तो ये बच्चों वह यहाँ पर किसको बता रहा है, थर्ड पर्सन को बता रहा है, ओके। तो बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज बी भी समझा दी है, और इसमें ज़रा आपको पेस्ट ऑन कर लीजिए। नंबर नाइन और टेन दो और हैं अभी इसमें, चलिए देखते हैं नंबर नाइन को। दे आर कमिंग बाय ट्रेन, वे ट्रेन से आ रहे हैं, है ना। तो दे किसको बता रहा है, दे थर्ड पर्सन को बता रहा है ना। तो हमने यहाँ पर थर्ड पर्सन को टिक कर दिया, सॉरी दे यहाँ पर दे आर कमिंग बाय ट्रेन, दे किसको बता रहा है बच्चों, थर्ड पर्सन को बता रहा है। नंबर टेन, आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ द डार्क, क्या आप अंधेरे से नहीं डरते हो। तो आप किसको बता रहा है, सेकंड पर्सन को, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। तो ये हो गया आपका सेकंड पर्सन, हमने यहाँ पर सेकंड पर्सन को टिक कर दिया। तो बच्चों ये बी वाली एक्सरसाइज हो गई है। अब इसी के नीचे जरा एक्सरसाइज नंबर सी को देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, जब कोई किसी चीज़ का मालिक होता है, जब कोई किसी शो करता है कि वह चीज़ उसकी है, मेरी है, अपनी है, तुम्हारी है ना, तो वो पोसेसिव प्रोनाउन को शो करता है। तो चलिए हम सेंटेंस वाइज देखेंगे इसको। नंबर वन, द कार बिलोंग्स टू माई फादर, कार मेरे फादर की है, इट इज़ हिज, क्योंकि फादर मेल है और मेल के साथ हम पोसेसिव प्रोनाउन में हिज लिखते हैं, ठीक है। नंबर टू, दीज आर योर शूज़, ये शूज़ आपके हैं, एंड दोज आर माइन, और ये मेरे हैं। तो ये शूज़ तो आपके हैं और वो मेरे हैं। दीज और दोज, देखिए बच्चों फ़र्क आ रहा है, दीज ये और दोज वो, ठीक है। तो ये अपोजिट हो गए, दीज और दोज अपने आप में अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पर हम अपोजिट ही लिखेंगे। दीज आर योर शूज और दोज आर माइन, वो मेरे हैं। नंबर थ्री, इज दिस योर पेन, क्या यह पेन आपका है, और इज इट माइन, या ये मेरा है। तो यहाँ पर भी जब और आता है बीच में, तो भी बच्चों ये योर को हम किस चीज में वो करते हैं, फिर योर तुम्हारे को बता रहा है, या फिर ये मेरा है, मेरा के लिए हम पोसेसिव प्रोनाउन में माइन वर्ड लिखते हैं। नंबर फोर, आई गेव हिम द बुक, मैंने उसको बुक दे दी है, इट इज़ हिज, देखिए अब हिज पोसेसिव के लिए हिज वर्ड लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ गया, हिज लिख दिया हमने। नंबर फाइव, शी बॉट एन अपार्टमेंट लास्ट ईयर, उसने पिछले साल एक अपार्टमेंट खरीदा, दिस वन इज़ हर्स, अब शी के साथ क्या आ रहा है, हर्स आ रहा है बच्चों। मैंने इसीलिए सेंटेंसेस पर अंडरलाइन कर दिए, जिससे कि आपको समझने में ईजी हो जाए कि पोसेसिव प्रोनाउन कौन से वर्ड के लिए आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर सिक्स, शी द बुक बिलोंग्स टू मी, ये बुक मेरी है, इट इज़ माइन, मी के साथ हमने पोसेसिव प्रोनाउन में माइन लिखा।
नंबर 7, राजेश बॉट ए न्यू साड़ी फॉर नीतू. राजेश ने नीतू के लिए नई साड़ी खरीदी. इट इज़ हर्स. अब नीतू के लिए खरीदी बात यहाँ पर नीतू क्यों, राजेश बात कर रहा है नीतू के बारे में कर रहा है, ठीक है. तो नीतू के लिए, नीतू क्योंकि फीमेल है यहाँ पर, इसीलिए हर्स आएगा. नेक्स्ट वन, दीज टॉयज बिलोंग टू यू ऑल. ये सारे ही खिलौने, दीज टॉयज बिलोंग्स टू यू ऑल, तुम सभी के हैं. दीज टॉयज आर योर्स. यू के साथ हमने पोसेसिव प्रोनाउन में योर्स को पुट किया. नंबर 9, दे बॉट 3 कार्स. उन्होंने 3 कार खरीदी. दीज आर देयर्स. दे के साथ देयर्स आता है बच्चों पोसेसिव प्रोनाउन में, ठीक है. नंबर 10, वंस वी हैड ए पैलेस इन जयपुर. एक बार हम जयपुर में एक पैलेस में थे, है ना. पैलेस बोलते हैं मतलब महल में थे. इट वॉज आवर्स. ये वो हमारा था. तो वी के साथ हम क्या लिखते हैं बच्चों, क्योंकि वी प्लूरल है आई का, और वी के साथ हम प्लूरल में आर्स लिखते हैं. ओ यू आर एस आर्स. नंबर 11, दीज किड्स आर नॉट जस्ट माइन. ये किड्स बच्चे ये मेरे नहीं हैं. दीज आर योर्स. ये आपके हैं, है ना. तो दीज और दीज किड्स आर नॉट जस्ट माइन. ये बच्चे मेरे नहीं हैं. दीज आर ये आपके हैं. दीज आर योर्स टू. ये आपके भी हैं. ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये बच्चे आपके भी हैं. जैसे हम नॉर्मली भी कह देते हैं स्टूडेंट्स, आप अपने मम्मी पापा के ही बच्चे नहीं हो, आप तो हमारे भी बच्चे हो. तो आप अपनी मम्मी पापा के बच्चे नहीं हो, आप हमारे भी बच्चे हो. तो यही बात यहाँ पे हो रही है. दीज किड्स आर नॉट जस्ट माइन. ये मेरे ही बच्चे नहीं हैं. दीज आर योर्स टू. ये आपके भी हैं, है ना. नंबर 12, लास्ट वन, इन दिस वर्ल्ड, इस विश्व में, इस संसार में, नथिंग इज आवर्स. कुछ भी हमारा नहीं है, है ना. ऑल बिलोंग्स टू दैट ऑलमाइटी. सभी कुछ ईश्वर का है, क्योंकि ऑलमाइटी बोलते हैं गॉड को, है ना बच्चों. तो ये मैंने आपको बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर सी भी बताई. मींस मैंने आपको इस वाले चैप्टर में एक्सरसाइज ए बी और सी, पर्सनल प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में बताया बच्चों. इसके बाद आपकी बुक में पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव्स भी हैं. उसमें आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने वो आपको एक्सरसाइजेस छुड़वा दी हैं. तो आप पेज नंबर 48 तक ही फिल करेंगे बुक में. कॉपी में जितना मैंने आपको लिखवाया आप वही करेंगे. बच्चों जो भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई, यू कैन आस्क फ्रॉम मी. कभी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.